हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अक्सर हमारे चैनल पर हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे व्यूवर्स सवाल पूछते हैं कि चेक बाउंस के केस को कैसे सेटल करें, कब सेटल करें, इसके क्या लीगल प्रोविजंस हैं। हालांकि मैंने इस पर पहले कई वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज की वीडियो बहुत ही स्पेसिफिक है, जिसमें मैं आपको करेक्ट बताऊंगा कि चेक बाउंस के केस को कब सेटल कर सकते हैं और कैसे सेटल कर सकते हैं और क्या सेटलमेंट के बाद यानी कि कंप्लेनेंट एग्री करने के बाद वो सिग्नेचर कर दे, लेकिन क्या उसके बाद वो केस को लिंगर ऑन कर सकता है या वो अपने एग्रीमेंट से मुकर सकता है आरोपी को सज़ा दिलवाने के लिए। तो दोस्तों ये सब मैं आपको इस वीडियो में आप बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको अच्छी लगे, और साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसा लीगल कॉन्टेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक ताज़ा जजमेंट आई है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो बिल्कुल ये एग्जैक्टली ये एक्सप्लेन करती है कि अगर दोनों पार्टियों का समझौता हो जाए तो क्या कंप्लेनेंट समझौते से मुकर सकता है और 138 की कंप्लेंट को आगे बढ़ा सकता है या नहीं बढ़ा सकता। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो चेक बाउंस का केस है वो पूरी तरह से कंपाउंडेबल है और बेलेबल है, यानी कि इसमें तुरंत जमानत मिल जाती है और पूरी तरह से कंपाउंडेबल है, यानी कि किसी भी स्टेज पर जो चेक अमाउंट है उसकी राशि अगर अक्यूज्ड कंप्लेनेंट को पे कर देता है तो तब जो है केस वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है। ये एग्रीमेंट कोर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं या आउट ऑफ कोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक एग्रीमेंट डीड बनवानी ज़रूरी है, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा और वो कोर्ट में पेश किया जा सकता है। डीड में जो भी दोनों पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है वो लिखना ज़रूरी है, और अगर आप पेमेंट कर रहे हैं अक्यूज़ के तौर पर कंप्लेनेंट को, तब जो है उसमें क्या कैश में पेमेंट कर रहे हैं या आप डीडी बनवा कर दे रहे हैं या चेक से पेमेंट कर रहे हैं, और साथ में जो गवाह हैं उनके भी सिग्नेचर उस पर होने चाहिए और ये एग्रीमेंट नोटराइज्ड होना चाहिए, यानी कि एग्रीमेंट करने के बाद सिग्नेचर करने के बाद विटनेसेस के साइन करवाने के बाद इसको नोटरी के रजिस्टर में भी एंटर करवा दें कि कल को कोई दिक्कत हो, कोई लीगल इशू आए तो तब जो है नोटरी भी इस चीज़ की तस्दीक कर दे कि उनके सामने ये समझौता पत्र साइन किया गया था और इस पर नोटरी की मोहर उनके द्वारा लगाई गई थी। इससे जो डीड है एग्रीमेंट की वो बहुत ही ऑथेंटिक बन जाती है। और अब बात आती है कि समझौता कब करें, क्योंकि मैंने बताया कि ये पूरी तरह से कंपाउंडेबल है, आप समझौता कभी भी कर सकते हैं, शुरू में कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं, एविडेंस के दौरान कर सकते हैं, कन्विक्शन के बाद भी समझौता कर सकते हैं, ये पूरी तरह से कंपाउंडेबल है। अगर 138 के केस में किसी आरोपी को सज़ा हो जाती है तो तब भी आप चेक अमाउंट देकर या जो ट्रायल कोर्ट ने फाइन लगाया है वो चुका कर आप उस केस को वहीं का वहीं ख़त्म कर सकते हैं, तो तब आगे इसमें कोई भी जो है जो लायबिलिटी है अक्यूज़ की वो नहीं रहेगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट दी है चेक बाउंस के केस के समझौते को लेकर। अगर आप चाहें तो इसका नंबर नोट कर सकते हैं, क्रिमिनल अपील नंबर है 3289/2018 की है। केस का टाइटल है घनश्याम गौतम वर्सेस उषा रानी, और ये जजमेंट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने अभी हाल ही में दी है। तो दोस्तों यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि इस केस में दोनों पार्टियों का रिटर्न एग्रीमेंट हो गया था, एग्रीमेंट डीड बन चुकी थी, और तब जो है ये मामला
माननीय हाई कोर्ट में गया और वहाँ पर वो डीड पेश की गई, क्योंकि इस केस में अक्यूज का कन्विक्शन हो गया था, सजा हो गई थी उसको। तो तब उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार सेटलमेंट हो जाए दोनों पार्टियों के बीच में और कंप्लेनेंट उस एग्रीमेंट डीड पर साइन कर दे, हस्ताक्षर कर दे, और जो भी अमाउंट फुल एंड फाइनल उनके बीच में तय हुआ है वो स्वीकार कर ले, तो तब जो है कोई भी केस 138 का नहीं बनता और उसको जो है क्वाश करने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए सज़ा सुनाई गई है आरोपी को 138 के केस में, कि इसका दूसरे अर्थ में बताता हूँ आपको, कि जब एक बार दोनों पार्टियों के बीच में समझौता हो गया और कंप्लेनेंट ने सिग्नेचर कर दिए, अमाउंट ले लिया और जो सेटल हुआ था फुल एंड फाइनल पेमेंट, तो उसके बाद सेक्शन 138 की कन्विक्शन या केस वो क्वाश हो जाना चाहिए, निरस्त हो जाना चाहिए, रद्द होना जाना चाहिए। और ये जो अपील फाइल की गई थी ये अक्यूज के द्वारा फाइल की गई थी, तो इस अपील को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और जो भी केस था, जो भी कन्विक्शन था ट्रायल कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा, अपेलेट कोर्ट के द्वारा, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और ये वर्डिक्ट दिया कि अगर समझौता हो जाता है तो चेक बाउंस का केस सस्टेनेबल नहीं होगा, मेंटेनेबल नहीं होगा, उसकी कन्विक्शन मेंटेनेबल नहीं होगी। तो दोस्तों ये है इस केस का पूरा जो क्रक्स है, कि अगर कंप्लेनेंट को पेमेंट दे दी जाती है कि उसके द्वारा और रिटर्न में एग्रीमेंट हो जाता है तो तब कोई भी केस नहीं बचता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, आप मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।